माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई है। पहले बेटे का एनकाउंटर होता है, फिर पति अतीक की हत्या हो जाती है, लेकिन शाइस्ता अब तक नजर नहीं आई है। इस बीच जी न्यूज के पास शाइस्ता की वो चिट्ठी है जो उसने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी थी। चिट्ठी है 27 फरवरी की, जिसमें शाइस्ता ने उसके पति अतीक और उसके भाई अशरफ के साजिश का आरोप लगाया। साथ में उसने एक मंत्री और दो पुलिस अफसरों पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं। ये वो चिट्ठी है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, शाइस्ता की लिखी यह चिट्ठी जिसमें एक मंत्री और दो पुलिस अफसरों के नाम है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अब अतीक अहमद और उसके परिवार की तरफ से यूपी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लिखी हुई चिट्ठियों की चर्चा शुरू हो गई है। अब आपको माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता की यूपी के सीएम को लिखी गई चिट्ठी दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जी न्यूज के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव लेटर में शाइस्ता ने यूपी सरकार के एक मंत्री और यूपी पुलिस के दो अधिकारियों पर अतीक अहमद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह चिट्ठी 27 फरवरी को लिखी गई। क्या लिखा था इस चिट्ठी में और अतीक के मर्डर के बाद यह चिट्ठी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, यह आप देख रहे हैं।